एजी शार एंड क्रॉ तीनों के तीनों प्लेयर्स डाउन हो चुके ऑफ किया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ दो मात्र प्लेयर जोनाथन द मैन द मीथ द मॉन्स्टर जैसे कि आप कहते हो आगे बढ़ने की कोशिश और इसी दौरान एडमिनो के नॉकडाउन होते देख लीजिए। पंक भी आपको घुटनों पे दिखाई दे सकते हैं। जोनाथन की तरफ से टैक्स कलेक्टर को गिराया जा चुका है घुटनों पे और ये क्या टर्मी जोजो ने घुटनों पे डाल दिया है जोनाथन को और ये फाइट सिर्फ 1v1 की रह गई है। ओहो जी गॉड ने आन बान और शान यहाँ पे बचा ली टीम गॉडेल की। वे 2v की बैटल अगर टीम 14 वर्सेस यहाँ पे 15 के बीच में हुई तो हो सकती है लेकिन ये क्या K9X वर्सेस टीम गॉडेल की फाइट से यहाँ पे स्टार्ट और जोनाथन घुटनों पे एंड टीम K9X के यमची जो नॉकडाउन किए गए थे पंकु ने उनको फिनिश ऑफ कर दिया है। जेप्सा हाथों में डीबीएस लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। राइट साइड में जो एडमिनो है शायद वो एचपी डाउन है उनकी। क्या नॉकडाउन किया जाएगा एडमिनो की तरफ से जेप्सा को। चलिए अब बिलीव एक लास्ट एंड आखिरी उम्मीद गॉडेल जितनी स्पीड के साथ यहाँ पे पुश किए थे उतनी ही रफ्तार के साथ पूरी की पूरी टीम K9X को फिनिश ऑफ करके इस मैच से बाहर भेजा जा चुका और देख रहा है और टीम 20 पूरी की पूरी। ओ भाई साहब ये क्या एडमिनो का वो ग्रेनेड लास्ट प्लेयर को भी फिनिश ऑफ करेगा। ओके 1v2 एक ग्रेनेड मिसक्यूट की तरफ से वो कनेक्शन बना किया और अब सिर्फ दो मात्र टीम्स यहाँ पे रहेगी। गॉडेल के एडमिनो को देख लीजिए राइट साइड में आना चाहते स्मोक्स या फिर ग्रेनेड जो भी हाथों में वो लिए जरूर थे एंड देन अगेन M416 पे स्विच किया जा चुका है। नो वन धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश टीम इनसेन के पास अकेला प्लेयर टीम RGR के पास तीन प्लेयर्स और टीम गॉडेल के पास एक अकेला प्लेयर आपको दिखाई दे सकता है। स्मोक्स के अंदर एडमिनो ग्रेनेड वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं बट क्या उसका फायदा होने वाला है। फिलहाल इनसेन के अपू की तरफ से RGR के मैची को नॉकडाउन किया गया। एडमिनो घुसने की कोशिश करेंगे एक नॉकडाउन देखने को मिल चुका है। लास्ट एंड आखिरी प्लेयर आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं और ये क्या